ये करता हूँ। मनीष अरे प्रभु कृष्णा ज्वाइन प्रभु जी, किए थे। हाँ मनोज प्रभु। आपने जब भक्ति रस के बारे में बताया तभी आपने मोक्ष का भी ये टॉपिक निकाला, तो उसमें मुझे प्रश्न आया प्रभु जी कि जिनको मोक्ष मिल जाता है तो उनको फिर भक्ति रस मिल पाता है क्या, या फिर वो प्रयास उनको कोई दूसरा तरीका है जिनसे उनको भक्ति रस चाहिए उसके लिए कुछ कर सके? नहीं, अभी जब ये मोक्ष जो मिलता है ना, तो उनको कुछ ना कुछ तो भक्ति करना पड़ता है ना। तो अगर वो लोग जीरो उनका भक्ति है तो मोक्ष ही नहीं मिल सकता है ना, समझ गए। ओके, यस यस तो कोई भी अगर आपको कर्म का अगर परिणाम, कर्मयोग का परिणाम प्राप्त करना है ना, या ज्ञान योग का करना है ना, जैसे ज्ञान योग का करेंगे तो मोक्ष मिल जाए है ना, या ध्यान योग का करेंगे है ना, ऐसे कोई भी जो अन्य योगा पद्धतियां आप आचरण में लेके आएंगे और कुछ भी भक्ति नहीं करेंगे है ना, तो क्या होता है, उसका परिणाम ही आपको वो जो क्या बोलेंगे उसमें, वो जो उसका ध्येय, उसका जो रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाला था, परिणाम प्राप्त होने वाला था है ना, वो आपको प्राप्त ही नहीं होता उसमें है ना। तो लेकिन फिर भक्ति और उसमें क्या अंतर रहता है फिर, तो ये भक्ति योगी में और उनमें क्या अंतर रहता है, ये भक्ति योगी क्या है कि सिर्फ भक्ति का ही आचरण करता है ना, तो उसकी जो श्रद्धा रहती है वो पूरी भक्ति पे ही रहती है ना। और ये लोगों का क्या रहता है कि उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो थोड़ी सी आवश्यक, तो यहाँ पे इको हो रहा था, तो दूसरे योगा पद्धति में क्या करते हैं कि जो उनका ध्येय तो अलग रहता है भगवान का प्रेम नहीं रहता, तो इसीलिए जितना आवश्यक है उतना ही वो भक्ति करते हैं उनको वो परिणाम प्राप्त करने के लिए। और उनकी मेन प्रोसेस क्या रहती है, दूसरी उनकी योगा पद्धति है ना, जिससे उनको मोक्ष प्राप्त करना है या अन्य कुछ चीजें प्राप्त करनी है, ऐसे रहते हैं। तो आपका क्या प्रश्न था, हाँ, बोलिए। ये सेम प्रश्न है जो आपने उत्तर दिया, इसी यही था, इसी से रिलेटेड था। बस मुझे एक और पूछना था, जैसे मान लो किन्हीं का सायुज्य भक्ति है, कोई भगवान में सायुज्य मोक्ष मिलता है, जिसको भक्ति नहीं सायुज्य मोक्ष मिलता है और वो भगवान में समा जाते हैं, तो फिर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, या फिर उनको ऐसा चांस नहीं है कि वो गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ आदान प्रदान कर सके? बाद में उनकी प्रगति का अवसर पूछ रहे हैं, एक बार जी उनको मुक्ति मिल गई यस है ना, यस यस हाँ बाद में उनका उनको वो वैसे इच्छा है उनको है ना, तो इसलिए उनको वो मिल गई है ना। तो ये भक्त लोग जो है वो सायुज्य मुक्ति नहीं मांगते है ना, कभी कभी उनकी मेन ऐसे इस प्रकार के भक्त रहते हैं, तो उनको बोला है कि ये अभी बहुत आगे का विषय, इस उज्जवल नीलमणि में जा रहा है, तो ये क्या है, करता है कि ये भक्ति रसामृत, तो लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि ये कभी कभी एक प्रकार के भक्त होते हैं, क्या है उनको कि ऐश्वर्य सुख उत्तरा है ऐसे बोला जाता है उनको, ये उज्जवल नीलमणि में आता है, ये भक्ति रसामृत सिंधु के आगे वाला वो भाग है, तो ऐश्वर्य सुख उत्तरा, मतलब कुछ ऐसे भक्त रहते हैं कि उनकी भक्ति मेन प्रोसेस रहती है, लेकिन उनको ऐश्वर्य सुख शांति ऐसे चाहिए रहता है ना, तो वो कब जैसे पांच प्रकार की मुक्ति रहती है ना, तो उसमें से वो प्रकार के जो ऐश्वर्य सुख उत्तरा वाले भक्त है ना, और दूसरा जो प्रकार क्या रहता है, भक्ति सेवा रसु उत्तरा ऐसे रहता है, एग्जैक्टली सेवा रस उत्तरा ऐसे है, भक्ति सेवा रस उत्तरा ऐसे नाम रहता है उसका, और दूसरा जो है ऐश्वर्य सुख उत्तरा, तो ये जो वाले है भक्ति भक्ति सेवा रस वाले जो है ना, तो वो तो कभी मुक्ति मांगते ही नहीं पांच में से है ना, लेकिन कभी कभी ये ऐश्वर्य सुख
उत्तरा वाले जो भक्त है वो क्या करते हैं, जो पांच में से वो जो चार प्रकार के अन्य है सायुज को छोड़ के अन्य प्रकार की मुक्ति वो मांग लेते हैं इस प्रकार के भी भक्त। लेकिन जो प्रेम रस सेवा वाले भक्त है, प्रेम रस सेवा उत्तरा वाले जो भक्त है वो कभी भी किसी भी मुक्ति की इच्छा नहीं रहती उनके अंदर। ठीक है, तो और नेक्स्ट लेकिन भक्त लोग जो लेकिन है ऐश्वर्य सुख वाले भक्त लोग ये सायुज्य मुक्ति को क्यों नहीं मांगते, क्योंकि वहां पे वही धोखा है कि फिर बाद में वो जाने के बाद एक बार वो विलीन होने के बाद क्या हो जाता है वो उसको बोलते हैं कि स्पिरिचुअल सुसाइड, तो एक आत्महत्या करने के जैसा वो हो जाता है आध्यात्मिक जीवन, फिर राइट बाद में उनका कुछ ये नहीं रहता, वहीं पे उनका अंत हो जाता है। बट प्रभु जी, सायु जी के अलावा जो बाकी चार मुक्तियां हैं तो उनमें तो शायद उनको चांस मिलना चाहिए ना, अगर उनको इच्छा हो रहा है। हाँ वो जाते हैं ना भगवत धाम में, जाते हैं चार मुक्ति वाले लोग भी जाते हैं ओके ओके ठीक के धाम है में प्रभु रहते जी। हैं ना, तो बाकी बचे हुए चार मुक्तियों में एक मुक्ति क्या है सालोक्य है, तो सालोक्य सालोक्य भी हाँ, तो उसका अर्थ ही है कि वो सालोक्य तभी प्राप्त होगी जब आप भगवत धाम में हो, है राइट राइट ना, तो ऐसे लोग भी जाते हैं भगवत धाम। लेकिन फिर वो ठीक उनको उस प्रकार से मिले ठीक। तो यहाँ पे हमने कितना ये रागानुगा और बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ये विषय चल रहा था, तो अपना मीटिंग बंद हो गया था, रागानुगा और ये पूरा किया था ना मैंने विधि भक्ति बना, तो फिर आगे उसके क्या बोल रहे कि जैसा इस ग्रंथ में वर्णन किया जाएगा। हाँ ये 12 12 वाला भी मैंने बताया था कि यहाँ पे ये ग्रंथ में कैसे 14 बताए गए हैं लेकिन उसमें मुख्य कितने हैं 12, और फिर उसमें पांच प्रधान हैं, तो इस प्रकार से। तो फिर श्री कृष्ण से अपने संबंध को फिर से स्थापित करें कि हम सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त हो सकते हैं, तो ये भक्ति से क्या हो जाएगा, हम इसको भक्ति योग बोलते हैं, तो भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा भक्ति योग से, है ना, जो सच्चिदानंद भगवान। तो ये यहाँ तक ये हमने चर्चा की, तो अगला परिचय पढ़िए कोई। हाँ पढ़िए माता जी। जीवन दशा का यह प्रधान सिद्धांत है कि हमें किसी न किसी से प्यार करने की सामान्य प्रवृत्ति रहती है। कोई भी किसी दूसरे को प्यार किए बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति जीवन मात्र में विद्यमान है। बाघ जैसे पशु में भी यह प्रेम करने की प्रवृत्ति अवश्य है, चाहे सुप्त अवस्था में ही क्यों न हो। मनुष्य में तो यह है ही, परंतु खोई कड़ी यह है कि अपने प्रेम को हम कहाँ लगाए जिससे सब सुखी हो सके। आजकल मानव समाज अपने देश, परिवार अथवा स्वयं अपने से प्रेम करने की शिक्षा देता है, परंतु इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि इस प्रेम की प्रवृत्ति को कहाँ समर्पित किया जाए जिससे सबको सुख मिले। वह केंद्र कृष्ण है और भक्ति रसामृत सिंधु अपने स्वरूप भूत कृष्ण प्रेम को जगाकर उस अवस्था को प्राप्त हो जाने की शिक्षा देती है जिसमें शाश्वत जीवन का आस्वादन किया जा सकता है। जैसे आपने ये सुना ही होगा तत्व ज्ञान, है ना, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला है तो कि जीवन दशा का यह प्रधान सिद्धांत है, अभी प्रभुपाद यहाँ पे आ रहे हैं ये विषय पे, है ना, कि हमें किसी ना किसी के प्यार करने की सामान्य प्रवृत्ति रहती है ना। तो अभी किसी को लगेगा कि भक्ति क्यों करना चाहिए, है ना, तो भगवान से प्रेम क्यों करना चाहिए, तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि आप किसी ना किसी से प्रेम किए बिना नहीं रह सकते, है ना, कोई भी किसी दूसरे को प्यार किए बिना जीवित नहीं रह सकता, है ना, यह प्रवृत्ति जीव मात्र में विद्यमान है, स्वभावता है,
बाघ जैसे पशु में भी यह प्रेम करने की प्रवृत्ति अवश्य है, चाहे सुप्त अवस्था में ही क्यों ना हो, है ना, कम हो या सुप्त अवस्था में, मतलब ढकी हुई हो, है ना। लेकिन अगर हम मनुष्यों का विचार करेंगे तो उनमें तो है ही, परंतु खोई कड़ी को यह है कि अपने प्रेम को हम कहाँ लगाए, है ना, जिससे सब सुखी हो सके। तो हम एक दूसरों के ऊपर हम प्रेम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमको सुखी होना है, उससे हमको रस मिलता है ना। लेकिन कैसे वो करने का, है ना, ये हमको पता नहीं है अभी, है? तो आजकल मानव समाज में अपने देश, परिवार अथवा स्वयं अपने से प्रेम करने की शिक्षा देता है ना। सब लोग क्या बोलते हैं, खुद को प्रेम करो, खुद के ऊपर प्रेम करो, है ना। परंतु इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि इस प्रेम की प्रवृत्ति को कहाँ समर्पित किया जाए जिससे सबको सुख मिले, है ना। वह केंद्र कृष्ण है, और भक्ति रसामृत सिंधु अपने स्वरूपभूत कृष्ण प्रेम को जगाकर उस अवस्था को प्राप्त हो जाने की शिक्षा देता है जिससे शाश्वत जीवन का आस्वादन किया जा सकता है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में जैसे अपना यहाँ पे विषय क्या है कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि क्या क्या विषय है भक्ति रसामृत सिंधु में, है ना। तो यहाँ पे एक प्रभुपाद ने मुद्दा बताया कि क्या है भक्ति रसामृत सिंधु में, जैसे ये लोगों को पता नहीं है ना, क्या पता नहीं है उनको कि किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर प्रेम करें जो उनकी जरूरत है ना। जैसे लोगों को बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं होती बिना कोई बताए हुए, है ना। जैसे आजकल लोगों में क्या है, ये वातावरण क्या चल रहा है, ये न्यूट्रिशन, है ना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना, कैसे व्यायाम करना चाहिए, कैसे अपनी दिनचर्या होनी चाहिए, है ना। तो आप ये देखोगे इंटरनेट में तो बहुत सारे लोग इस पे बोल रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो वैसे ही लोगों को एक चीज के बारे में पता नहीं है, है ना, क्या है कि उनकी जो जरूरत है, जैसे न्यूट्रिशन हमारी शरीर की जरूरत है, तो वैसे ही उनकी मन और आत्मा की जो जरूरत है ना, तो इसके बारे में भी लोगों को पता नहीं है ना। तो उनको वो सुखी कैसे हो पाए, है ना। और अगले जन्म में, मतलब आत्मा के लिए, आत्मा का पोषण कहाँ पे है और मन का पोषण कहाँ पे है ना, ये लोगों को पता नहीं है ना। ये शरीर की जरूरत है अभी उनको समझ में आ रहा है, वो बीमार गिर रहे थे, है ना। मन की भी समझ में आ रहा है वो जरूरत है ना। तो ध्यान वगैरह में भी लोगों का काफी आकर्षण बढ़ रहा है आजकल, है ना। लेकिन अभी ये आत्मा पे अभी उनका उतना आकर्षण बढ़ा नहीं है, लेकिन हम जब मन के बारे में बताते हैं उस अनुभव से लोग आत्मा पे भी श्रद्धा रख रहे हैं अभी। तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ में है ना, तो कैसे हम कृष्ण के को केंद्र बिंदु रख के ये प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं, तो इसकी शिक्षा हमको इसमें मिलती है, ये भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया। और ये क्या होता है, इसमें हमको शाश्वत जीवन का आस्वादन, है ना। तो जो भक्ति रस शाश्वत है ना, एक जन्म से दूसरे जन्म में आता है, तो ये शाश्वत भक्ति रस का हम आस्वादन कर सकते हैं, उसको चख सकते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला था, है ना, चखाई ते तो मार, तो आपको चखाने के लिए क्या करूंगा मैं, ये भक्ति रस सिंधु का, है ना, एक बिंदु आपको दूंगा, है ना। तो माए चखाई ते तार कहीं एक बिंदु, है ना, आप इसको चखे इसलिए मैं इसका बिंदु दूंगा। तो वही भाव में प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे उसका एक बिंदु दिया है। अगले परिच्छेद में पढ़ी, प्रारंभ में जन्म होने पर हाँ एक बालक प्रारंभ में जन्म होने पर एक बालक केवल अपने माता पिता से प्यार करना जानता है। फिर भाई बहन इत्यादि उसके प्रेम के पात्र बनते हैं और इस प्रकार दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही अपने परिवार समाज जाति राष्ट्र यहाँ तक कि पूरे मानव समाज से भी प्रेम करने लगता है। परंतु
मानव जाति को प्रेम करने से भी जीव की प्रेम प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं होती। वह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अपूर्ण ही रहेगी जब तक हम यह नहीं जान ले कि प्रेम का परम पात्र कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है जब उसका समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में हो जाए। यह भाव भक्ति रसामृत सिंधु का सारस सर्वस्व है। इसलिए इस ग्रंथ में पांच दिव्य रसों अर्थात संबंधों में श्री कृष्ण से प्रेम करने की शिक्षा दी गई तो क्या बोल रहे इस परिच्छेद में प्रभुपाद, तो उसी को कंटिन्यू कर है कि लोगों को पता नहीं बताया पिछले परिच्छेद में, तो क्या करते हैं लोग पता नहीं फिर भी कुछ तो करते हैं है। जैसे बहुत सारी चीजों के बारे में हमको पता नहीं है, तो पहले जो मैंने उदाहरण लिया था है कि हमको पता नहीं कि किस चीज में न्यूट्रिशन रहता है, लेकिन खाना है करके हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं है। तो उसी प्रकार के अगर ये प्रेम करने का स्वभाव है तो क्या करते हैं, सही प्रेम कैसे करना वो उनको पता नहीं है ना, तो कुछ तो प्रयास करते रहते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे जन्म होता है किसी का है ना, तो फिर वो जब बालक रहता है तो क्या करता है, पहले अपने माता पिता पे प्रेम करना जानता है, फिर क्या होता है उसको समझ में आता है कि मेरी भाई बहन भी है ना, उन पे प्रेम करता है, जो उसको संभालते हैं है ना, उसकी दाई वगैरह उनमें प्रेम करता है। फिर जैसे बड़ा होता है तो वैसे परिवार, समाज, जाति, राष्ट्र, फिर मनुष्य है ना, मानव समाज, इनसे वो धीरे धीरे इसका जो प्रेम का है व्यापकता जो है वो बढ़ते रहता है। परंतु सारी मानव जाति को प्रेम करने से भी जीव की प्रेम प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं होती है। तो आप देखिए कि जो मानव जाति का ये करते हैं जो समाज सेवक रहते हैं, वो भी एक उनकी जो ये है प्रेम प्रवृत्ति है उससे वो संतुष्ट नहीं होते है ना, वह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अपूर्ण ही रहेगी है ना। मैंने अभी हाल ही में एक उदाहरण देखा है ना कि एक संस्कृत के शिक्षक से मेरा संबंध आया है ना, मैं भी सीखना चाहता था संस्कृत, सीखना शुरू करना, तो 2-3 महीने पहले ऐसे उनके साथ मेरा संपर्क आया, और ये जो संस्कृत के शिक्षक जो है जिनके साथ मेरा संपर्क आया वो मानव समाज के लिए, खास करके अपने भारतवर्ष के लिए इतना कुछ करते हैं है ना, वो पूरा फ्री में पढ़ाते हैं है, वो संस्कृत के शिक्षक एक भी पैसा नहीं लेते किसी से है ना, और उन्होंने क्या किया है, अभी वो रिटायर्ड है ना, पहले वो गवर्नमेंट टीचर थे, पहले वो गवर्नमेंट टीचर थे, तो क्या है कि अभी वो रिटायर हो गए तो उनको पेंशन आता है, तो उससे क्या किया है उन्होंने, उन्होंने अपने घर में ही गुरुकुल चालू किया है, और वो लोगों को फ्री में मतलब बच्चों को जो भी वहां पे उनके यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनको वहां पे अपने घर पे बुलाते हैं, वहां पे उनका रहना है ना, फिर उनका भोजन है ना, तो ये सब फ्री में उनको खिलाते हैं, और उनकी उम्र है अभी 84 साल है ना, वो माता जी है ना, वो 84 साल में खुद उनके लिए ये करती है, खाना बनाती है ना, और उनको खिलाती है, फिर संस्कृत भी उनको पढ़ाती है फ्री में है ना, तो इतना उसका सेवा हुआ है ना। लेकिन मैं देखा जब उनसे, मैं तो उनसे ऑनलाइन सीख रहा हूँ है ना, वहां पे नहीं जा रहा, तो लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि वो उसके जीवन में वो दुखी रहती है, निराश रहती है, तो उसको निराशा आती रहती है कि लोग संस्कृत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, संस्कृत ज्यादा लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उसको कहना कि संस्कृत पढ़ने से ही आम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, ऐसे भी उनका मत है। तो मतलब यहाँ पे अभी मेरे को क्लिक हो गया कि कैसे उनका सेवा भाव कितना है ना, कि इतना वो सेल्फलेसली वो कार्य कर रहे हैं वो शिक्षक है ना, लेकिन कृष्ण को छोड़ के अन्य कृष्ण केंद्र बिंदु में नहीं है ना, तो क्या होता है आप कितने भी सेल्फलेस ले कार्य करो है ना, कितने भी निस्वार्थ भावना से आप कार्य करो, लेकिन क्या हो जाएगा आपको वो संतुष्टि आपको प्राप्त रहेगी। तो इस प्रकार से मैंने देखा हुआ कि हाल ही में वह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अपूर्ण
वह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अपूर्ण ही रहेगी जब तक हम यह न जान ले कि प्रेम का परम पात्र कौन है। तब तक है तो प्रेम के लायक कौन है, वो पात्र व्यक्ति कौन है ना, जिससे हम प्रेम कर सके, है ना, पहले तो ताकि हमारा प्रेम पूरा हो जाए। हमारा प्रेम तभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है जब उसका समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में हो जाए, है ना, तभी ये पूरा होता है। श्री कृष्ण नहीं है तो हम अच्छा है, मतलब दूसरों के लिए निस्वार्थ भावना से कार्य करना अच्छा है, कम से कम स्वार्थी रहने से या अन्य व्यसनों में जाने की वजह से या पाप कर्म करने की वजह से, वजह से नहीं करने से, है ना, पाप कर्म करने से या स्वार्थी रहने से, है ना, ये अच्छा है कि हम निस्वार्थी रहे, है ना, ये अच्छा है। लेकिन क्या है कि हमको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है ना, ऐसे नहीं है कि निस्वार्थी रहना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, समाज कार्य करना ये गलत है, ऐसे मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे नहीं है ना। समाज कार्य करना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि वो सुख का अनुभव नहीं होगा, समाधान का अनुभव नहीं होगा। हमने देखा कि भगवद गीता के 12वें अध्याय है ना, कृष्ण स्वयं बताते हैं कि अर्जुन को, है ना, कि अगर पहले क्या करना चाहिए कि भक्ति करना चाहिए, है ना, तो एक निस्वार्थ भावना से भक्ति करना, अगर वो नहीं हो रहा है ना, तो कैसे करना चाहिए वो भक्ति, पहले अपना मन और बुद्धि वहां पे लगा के, भक्ति में लगा के भक्ति करना चाहिए, ऐसे पहला बताते हैं कृष्ण, मन और बुद्धि मेरे में लगा के भक्ति करो, है ना। अर्जुन बोलता है वो नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, है ना, भगवद गीता के 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 8 में आता है, 8 से 12 तक या 11 तक, ऐसे 4 या 5 श्लोक है वो, है ना। तो वहां पे पहले बोलते हैं कि ये मन और बुद्धि मेरे में लगा के तुम भक्ति करो, अर्जुन को बताते हैं कृष्ण को, सॉरी कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, है ना, कि तुम इस प्रकार से कार्य करो। तो फिर अगर अर्जुन पूछता है कि अगर ये नहीं हो रहा है, मेरा मन और बुद्धि नहीं लग रहा है भक्ति में, तो मैं क्या करूं, फिर कृष्ण बोलते हैं क्या करो, तुम भक्ति के नियमों का पालन करो, है ना। तो अगर वो नहीं हो रहा है ना, तो क्या क्या करूं, मैं कृष्ण को पूछता है अर्जुन, तो फिर कृष्ण बताते हैं अगर तुम भक्ति का नियमों का पालन नहीं कर रहे हो तो और कुछ तो बता दे, मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो फिर अर्जुन बोलता है वो भी मुझे नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं, तो कृष्ण बोलते हैं वो भी अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम क्या करो कि कम से कम किसी दूसरे लोगों की सेवा करो, है ना, ऐसे 4 देते हैं, उसमें अंतिम क्या है कि दूसरों के लिए कुछ कार्य करो, समाज के लिए कुछ कार्य करो, अन्य लोगों की सेवा करो, है ना। तो ये कृष्ण ने बताया अर्जुन को तुम ऐसे करो, लेकिन यहाँ पे किस मेरे देखने का नजरिया क्या है कि हम समाधान सुख और जो हाईएस्ट है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, उस नजरिए से हम देख रहे हैं, तो इसलिए उसको यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा क्या है कि ये भक्ति करना है ना? अगर हमको प्रेम प्राप्त करना है, हमको सुखी होना है ना? और वो हम कैसे सीख सकते हैं, तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में है ना, वो हमेशा क्या है कि भक्ति का वर्चस्व यहाँ पे दिखाता है ना, और 5 दिव्य रस है ना, तो ये भक्ति में है ना, उसके बारे में ये बताता है भक्ति रसामृत सिंधु, इस प्रकार से प्रभुपाद का। अगला परिचित पढ़िए। हमारे प्रेम करने की प्रवृत्ति प्रकाश की किरण अथवा हवा के झोंके के समान ही नित्य फैलती रहती है, परंतु इसके अंत को हम नहीं जानते। भक्ति रसामृत सिंधु उस विज्ञान का नाम है जो हमें यह दिखाता है कि श्री कृष्ण को प्रेम करने की सुगम विधि से जीवन मात्र से पूर्ण रूप में प्रेम किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे जीव महान मात्र से, जीवन मात्र नहीं, जीव मात्र से,
जीव मात्र, सॉरी, हाँ श्री कृष्ण को प्रेम करने की सुगम विधि से जीव मात्र से पूर्ण रूप से प्रेम किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयत्नों के द्वारा भी हम मानव समाज में शांति और सद्भावना उत्पन्न करने में असफल रहे हैं, क्योंकि हमें ठीक विधि का ज्ञान नहीं है। विधि बड़ी सरल है, परंतु इसे ठंडे मस्तिष्क से समझने की आवश्यकता है। भक्ति रसामृत सिंधु सब मनुष्यों को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की सुगम और स्वाभाविक विधि की शिक्षा देती है। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख ले, तो फिर इसके साथ ही बिना किसी कठिनाई के तुरंत जीव मात्र से भी प्रेम करने लगेंगे। यह पेड़ की जड़ की जल से सींचने अथवा उदर में भोजन पहुंचाने जैसा है। पेड़ की जड़ में जल डालना अथवा उदर को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से युक्तिसंगत और व्यावहारिक है। ऐसा हम सबका अनुभव है। हम भली प्रकार जानते हैं कि जब हम कुछ खाते हैं अथवा जब हम कोई पदार्थ उदर को देते हैं, तो इस प्रक्रिया से उत्पन्न शक्ति तुरंत संपूर्ण देह में वितरित हो जाती है। उसी प्रकार जड़ में जल देने से बड़े वृक्ष के अंग प्रत्यंग को लाभ पहुंचता है। यदि हम चाहे कि वृक्ष के एक-एक अंग को जल दे, तो यह संभव न होगा और नर देह के अलग अलग अंग भोजन कर ही सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ उस एक दीपक को जलाने की शिक्षा देगा, जिससे तुरंत सब और सब अच्छा कुछ प्रकाशित हो जाता है। जो इस विधि को नहीं जानता, वह जीवन के सार से वंचित है। श्री कृष्ण, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं अगले परिच्छेद में, उदाहरण दे रहे ऊपर है ना, जो पहले तत्व बताया है ना, तो पहले क्या शुरुआत में क्या बताते हैं कि हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति प्रकाश की किरण अथवा हवा के झरोके के समान ही नित्य फैलती रहती है। तो हमारी ये जो प्रवृत्ति है, अभी जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है ना, हम वो प्रेम करेंगे है ना, तो वो बढ़ती रहती है ना, फैलती रहती है, मतलब ये किरणें और ये हवा है ना, ये फैलती है। उसी प्रकार हमारी ये जो प्रवृत्ति है ये बढ़ती रहती है ना, और इसका एक विज्ञान है ना, ये प्रेम करने की प्रवृत्ति का। और हाँ, तो अगर फिर हम भगवान के ऊपर प्रेम करेंगे तो क्या होता है, सब जीवों के ऊपर है ना, जीव मात्र से पूर्ण रूप में प्रेम किया जा सकता है। तो कृष्ण के ऊपर अगर हम प्रेम करना सीखेंगे तो हम सब जीवों को प्रेम कर सकते हैं है। तो वो बताते हैं कि कैसे लोग भगवान को प्रेम करके है ना, मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया समाज सेवक का है ना, उसी प्रकार से समाज में क्या क्या लोग गलतियां करते हैं कृष्ण को छोड़ के। तो जैसे एक संयुक्त राष्ट्र ये संगठना गलती करती है, वो सब में समभाव बंधुता बनाती चल रही है ना। तो प्रभुपाद का एक फेमस वाक्य भी है ना, तो अगर आपको पूरे वैश्विक बंधुता बनानी है ना, तो सब आपको अगर भाई भाई सबको साथ भाईचारे के संबंध बनाने हैं, तो प्रभुपाद क्या बताते हैं, सबको अगर आपको बंधु बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, प्रभुपाद अन्य जगह। कृष्ण हाँ से, कृष्ण से, कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा। वो तो है, लेकिन अभी उससे वो बंधु कैसे बन जाएंगे, प्रभुपाद एक प्रैक्टिकल बताते हैं। आपने भी ठीक बोला, लेकिन प्रभुपाद एकदम प्रैक्टिकल आंसर बताते हैं कि लोगों को कैसे बंधु बनाया जाए। क्या बताते हैं, कहीं सुना है आपने, पढ़ा है अन्य जगह पे बताते हैं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं, अगर आपको लोगों को सबको बंधु बनाना है, जैसे ये संयुक्त राष्ट्र संगठना क्या बोलती है कि देश देश में भाईचारे के संबंध होने चाहिए है ना, अच्छे बिना तनाव पूर्वक संबंध होने चाहिए है ना। तो और ये जो समाज सेवी लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि दूसरे लोगों को हमने अपने भाई और बहनों के जैसा समझना चाहिए है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है, आपको वो चाहिए है ना, अगर आप किसी को भाई कब मानते हो,
तब आप दोनों के पिता एक हो, है? तो दो लोग भाई कब होते हैं, जब उनके पिता एक होते हैं तब वो भाई होते हैं। तो प्रभुपाद वैसे ही बोलते हैं। तो आप पहले क्या मान लीजिए, हमारे सब जो मनुष्यों के पिता है ना, वो क्या है, एक है, वो कृष्ण है ना। तो इनको आप मान लीजिए, फिर आप क्या हो जाएंगे, अपने आप भाई बहन हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से एकदम प्रैक्टिकल आंसर देते हैं, है ना। तो मतलब क्या है कि कृष्ण को केंद्र में लेके आइए, है ना, इस प्रकार से प्रभुपाद बोलते हैं। तो अभी ये जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, वो वही बिना कृष्ण को केंद्र में रखे हुए है ना, वो क्या करती है, कार्य करती है ना। और वो कैसे असफल रहती है ना। फिर भी अभी देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, तो ये क्या दिखाता है, संयुक्त राष्ट्र का ये असमर्थता ही दिखाता है ना, इस प्रकार से हो रहा है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो फिर आगे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, विधि बड़ी सरल है ना, ये सबके ऊपर प्रेम करने की विधि जो हमको भक्ति रसामृत सिंधु में हम देखेंगे, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु में हम देखेंगे कि कैसे भक्ति करने से सब अच्छे गुण विकसित होते हैं, है ना। और दूसरों को प्रेम करना, समाज की सेवा करना, है ना, सब ये देवी देवताओं के जो गुण है वो भक्ति करने वाले व्यक्ति में आ जाते हैं। ऐसे भागवतम का श्लोक वहां पे लेते हैं, भागवतम के 5वें स्कंद में ये बताया गया श्लोक। तो उससे यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति करने से, भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, भक्ति करने से अगर कोई भक्ति करता है तो वो व्यक्ति सबको आकर्षित हो जाता है ना, सब कोई उससे अट्रैक्ट हो जाता है ना। तो जैसे प्रभुपाद इतने बूढ़े थे, है ना, फिर भी हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका के युवक और युवतियां, है ना, उनके प्रति अट्रैक्ट हो गए, है ना, उनके प्रति आकर्षित हो गए। तो क्यों होता है ऐसे, तो उसका कारण जो है तत्व है ना। तो वो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में हम सीख सकते हैं, है ना, कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो क्या होता है, तो अन्य जीव भी उससे आकर्षित हो जाते हैं, है ना, कोई प्रामाणिकता से भक्ति करता है ना। तो ये बहुत ये हमको भक्ति रसामृत सिंधु में सीखने को मिलता है। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख ले, तो फिर इसके साथ ही बिना किसी कठिनाई से तुरंत जीव मात्र से भी प्रेम करेंगे, है ना, प्रेम करने लगेंगे। तो उसका उदाहरण जो फेमस उदाहरण है वृक्ष के, कैसे जड़ में पानी डालना चाहिए, वो उदाहरण प्रभुपाद ने यहाँ पे विस्तार से समझा, वो बहुत बार आप लोगों ने सुना है। और कैसे अलग अलग इसका, और फिर यहाँ पे एक नया उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, है ना, इस ग्रंथ में अंत के वाक्य में उस एक दीपक को जलाने की शिक्षा देगा, है ना, वो जिससे तुरंत सब और सब कुछ प्रकाशित हो जाता है ना। तो मतलब ये एक दीपक क्या बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद, जो बता रहे एक दीपक, है ना, जैसे आप होटल वगैरह में जाते हैं, है ना, तो क्या रहता है वहां पे, एक बटन रहता है ना, घर में नहीं रहता, लेकिन होटल वगैरह में जाएंगे तो क्या रहता है, रूम के बाहर एक बटन रहता है ना? वो बटन बंद है तो अंदर कुछ पंखा, है ना, जो क्या पंखा, ट्यूबलाइट या चार्जिंग पॉइंट आपका, है ना, ये कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। तो वो कब चलेगा, जो बाहर का एक बटन है ना वो दबाएंगे। तो वो प्रभुपाद वो क्या बोल रहे हैं, वो एक दिया लगाने का यहाँ पे जो उदाहरण दे रहे हैं, वो क्या है, उस बटन की तरह है ना। तो वो होटल के रूम में वो बाहर का बड़ा वाला जो बटन है, कभी कभी आप होटल में लॉज में जाएंगे तो क्या रहता है, वो चाबी उसमें डालना पड़ता है ना, तभी वो बटन भी चालू करना पड़ता है, वो चाबी भी उसमें डालना, आपने लोगों ने अनुभव किया होगा इसका, है ना। तो वो क्या है कि एक स्विच है, तो एक दीपक है, तो वो अगर हम जलाएंगे तो क्या होता है, सब वहां पे चालू होता है। अगर वहां पे हम चाबी नहीं डालेंगे या वो बड़ा बटन आप चालू नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उस रूम में कुछ भी बिजली ही नहीं आएगी, है ना। तो इस प्रकार से, तो मतलब प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण किसे प्रेम करोगे, मतलब वो बाहर का बड़ा बटन चालू करोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर की लाइट ले लेगी, अन्य जीवों से आप प्रेम कर सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण देते हैं कि कृष्ण से उपमाओं के द्वारा, है, कुछ उपमाएं देते हैं प्रभुपाद। ठीक है, अगला परिचित पढ़िए, कोई और पढ़िए।
वैशाली माता जी को छोड़ के कौन पढ़ना चाहेगा? हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, पढ़ो आप, पढ़ गए। पढ़ना माता जी ठीक है। आप पढ़िए मनोज ओके प्रभु आपको बोल रहे हो पढ़ने को। ओके ओके। जहां तक लौकिक पदार्थों का संबंध है, मानव सभ्यता सुखमय जीवन की ओर बहुत अधिक प्रगति कर चुकी है, परंतु फिर भी हम सुखी नहीं हैं क्योंकि हम सार तत्व को भुला बैठे हैं। यह प्राकृत आराम हमें सुखी करने को पर्याप्त नहीं है। इसका उज्जवल उदाहरण है अमेरिका, विश्व का सबसे धनी देश, जो सब प्रकार की प्राकृतिक सुविधाओं के होते हुए भी मनुष्यों के एक ऐसे वर्ग को जन्म दे रहा है जो जीवन के प्रति बिल्कुल भ्रमित और निराश हैं। मैं इन शब्दों से उन सब भ्रमित मनुष्यों का आह्वान करता हूँ कि वे भक्ति रसामृत सिंधु में निर्दिष्ट भक्ति योग की विद्या को सीखें। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने पर उनके हृदयों में लगी हुई संसार अग्नि तुरंत बुझ जाएगी। विषय परायण जीवन की विधि में महान उन्नति कर लेने पर भी हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूर्ण नहीं हो पाई है, यही हमारे असंतोष का मूल कारण है। भक्ति रसामृत ग्रंथ हमें ऐसे आचरणीय अथवा व्यवहारिक निर्देश देगा जिनके द्वारा इस प्राकृत जगत में भक्ति परायण जीवन व्यतीत कर हम इस जन्म में और अगले में भी अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु का उद्देश्य संसार की किसी विधि को धिक्कारना नहीं है, अपितु इस प्रयास का उद्देश्य धार्मिकों, दार्शनिकों और सामान्य लोगों को श्री बहुत कृष्ण से सुंदर प्रेम करना सिखाना है। बहुत सुंदर। लौकिक असुविधाओं से बचना बुरा नहीं है, परंतु साथ ही श्री कृष्ण से प्रेम करने की कला सीख लेनी चाहिए। इस समय हम अपनी प्रेम करने की प्रवृत्ति को कितने ही प्रकार से इधर उधर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वास्तव में देखें तो पाएंगे कि यथार्थ सार अर्थात श्री कृष्ण हमसे दूर हैं। पेड़ की जड़ को छोड़कर हम उसके तनों और पत्तों पर जल दे रहे हैं, अपनी देह को नाना प्रकार से सुख देने के प्रयास कर रहे हैं, परंतु उदर में भोजन पहुंचाना भूल गए हैं। जो श्री कृष्ण को भुला बैठा है उसको अपने स्वरूप की भी विस्मृति नहीं जो श्री कृष्ण को भुला बैठा है उसको अपने स्वरूप की भी विस्मृति है। असली स्वरूप का साक्षात्कार और श्री कृष्ण का साक्षात्कार एक साथ है। प्रातः काल अपने को देखने का अर्थ यह है कि सूर्योदय को भी देख लिया है। सूर्य के प्रकाश के बिना कोई अपने को नहीं देख सकता। इसी प्रकार श्री कृष्ण के साक्षात्कार के बिना स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद शुरुआत कैसे करते हैं ये परिच्छेद की, तो अभी ये समाज में लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हैं ना, इससे तो बताते हैं कि मानव सभ्यता सुखमय जीवन की ओर अधिक प्रगति कर चुकी है ना। तो अमेरिका का उदाहरण देते हैं ना, ये उन्होंने बहुत प्रगति की है ना, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है उनको और उनके जीवन की निराशा अभी भी है, ये उन्होंने गलती की है। एंड यहाँ पे एक किताब में हमको क्या सीखने को मिलने वाला है कि भक्ति योग की विद्या सीखने को मिलने वाली है, भक्ति की व्याख्या आपको सीखने की मिलने वाली है और ये कैसे करना है भक्ति, ये भी सीखने को मिलने वाला है। तो उससे क्या होगा, ये भक्ति करने से क्या हो जाएगा, तो ये जो निराशा है ना, कितनी भी सुख सुविधाएं के होते हुए भी नहीं जाती है ना, तो भक्ति करने से वही वो चली जाएगी है ना, इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे। फिर बाद में बताते हैं कि ये हमको भक्ति रसामृत सिंधु से पता चलेगा है ना भक्ति के बारे में। फिर आगे वहां पे बताते हैं कि मुझे विश्वास है कि ऐसा करने पर उनके हृदयों में लगी हुई संसार अग्नि है ना तुरंत बुझ जाएगी है ना, जो अभी संसार से उनको दुख आ रहा है ना, तो वो दुख तुरंत चला जाएगा। जो अग्नि का अभी उनको प्रतीत हो रही है ना, वो क्या हो जाएगी, वही शीतलता उनको प्रतीत हो जाएगी वहां पे।
विषय परायण जीवन की विधि में महान उन्नति कर लेने पर भी हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूर्ण नहीं हो पाई। तो हमने कितने भी विषय प्राप्त करने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, हमारी जो प्रेम करने की जो इच्छा है ना, वो पूरी नहीं हो पा रही है, उसमें हमको संतोष नहीं प्राप्त हो रहा है। और ये हमको भक्ति रसामृत शिविर में सीखने को मिलेगा। फिर बाद में प्रभुपाद बताते हैं उसके आगे कि भक्ति रसामृत सिंधु का उद्देश्य संसार की किसी विधि को धिक्कारना नहीं। ये भक्ति रसामृत सिंधु ऐसे नहीं बताता कि आप प्रगति मत करो, शरीर को आराम मत दो, ऐसे नहीं बताता है ना। तो किसी का धिक्कार नहीं करता है ना। तो हम बोलते हैं प्रसिद्ध, आप सब लोगों ने सुना होगा, तो सब भक्त आपको यही वाक्य कैसे बोलते हैं, भक्ति में क्या है, कुछ छोड़ना नहीं है, क्या है फिर, सब कुछ जोड़ना है ना। इस प्रकार से भक्त लोग बोलते हैं इसी को, यही कंसेप्ट है, यही तत्व है ना। क्या तत्व है कि ये भक्ति रसामृत सिंधु किसी को धिक्कारता नहीं, मतलब कुछ छोड़ने के लिए आपको नहीं कहता है ना, बस आपको ये जोड़ने के लिए कहता है ना, कृष्ण से जोड़ने के लिए, खुद को और अपने कार्यों को है ना। लौकिक असुविधाओं से बचना बुरा नहीं है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे कि ये असुविधाओं की वजह से हम संशोधन करते हैं है ना, जैसे अमेरिका में किए हैं, ठीक है ये करना अच्छा है, लेकिन परंतु साथ ही साथ है ना, उसके साथ क्या करना चाहिए, कृष्ण से प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए है ना, ये बहुत जरूरी है ना। तो साथ ही साथ हमको भक्ति करना चाहिए है ना, और क्या करना चाहिए, कृष्ण से कैसे प्रेम करना है ये हमको समझना चाहिए। इस समय हम अपनी प्रेम करने की प्रवृत्ति को कितने ही प्रकार से इधर उधर लगाने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो बहुत गलतियां कर रहे हैं। एक हम बड़ा बटन भूल के छोटे छोटे अंदर रूम में जाके होटल के है ना, ये कितने भी बटन दबा रहे हैं लेकिन उससे कुछ बिजली नहीं चल रही है ना। परंतु वास्तव में देखें तो पाएंगे कि यथार्थ सार अर्थात श्री कृष्ण हमसे दूर है ना, पेड़ की जड़ को छोड़कर हम उसके, और एक उदाहरण जो पहले दिया था है ना, पेड़ का उदाहरण प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, तो पर जल हम दे रहे हैं। तो फिर आगे क्या बताते हैं कि यहाँ पे ये एक वाक्य यहाँ पे कुछ असली स्वरूप है ना, तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोलते हैं, असली स्वरूप का साक्षात्कार मतलब क्या है, अपना खुद का असली स्वरूप है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, हम कौन है ना। तो क्या बोलते हैं, ये सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, ये भगवान के रियलाइजेशन के साथ ही चलता है। तो अगर आपको खुद का स्वरूप समझना है तो पहले आपको भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का साक्षात्कार पहले आपको करना पड़ेगा है ना, अपना खुद का असली स्वरूप आपको समझना है। तो प्रातः काल तो कैसे कैसे ये भगवान को पहले समझना पड़ेगा, ऐसे किसी को लग सकता है ना, उसके लिए उदाहरण दे रहे है ना। तो अगर आपको खुद को देखना है ना, तो पहले किसकी मदद से देखना पड़ता है, सूरज की मदद से आप कुछ भी नहीं देख सकते है ना। तो उसी प्रकार अगर आपको खुद को समझना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान को समझना पड़ेगा है ना। तो भगवान को समझोगे और भगवान की सेवा में भक्ति में लगोगे तो ही आप खुद को समझ पाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। अगला पढ़िए कोई। भैया करुणा माता जी आप पढ़ना चाहते, हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु विशेष रूप से उनके लिए है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न है। मैं अपने सब मित्रों और शिष्यों को सविनय धन्यवाद देता हूँ जो संपूर्ण जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने में मुझसे सहयोग कर रहे हैं। मेरे प्रिय शिष्य श्रीमद जयानंद ब्रह्मचारी को साधुवाद है। उनके उदार अनुदान से इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। अंत में इस महान ग्रंथ का ध्यान पूर्वक प्रकाशन करने के लिए हरे कृष्ण प्रेस के निदेशक धन्यवाद के पात्र हैं। हरे कृष्णा। एसी भक्ति वेदांत स्वामी 13 अप्रैल 1970 इस्कॉन हेडक्वार्टर्स एड्रेस वोटसेका एवेन्यू लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया।
हरे कृष्ण। यहाँ पे नहीं लिखा है, इंग्लिश किताब में लिखा है वो, जो माता जी ने पढ़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे ये परिच्छेद में महत्वपूर्ण बात क्या है बता रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु किसके लिए है। तो किसके लिए है भक्ति रसामृत सिंधु? तो जो भी ये आंदोलन में लगे हुए हैं ना, सब उनके जो शिष्य हैं उनके लिए है। ये उसका उद्देश्य है ना, हमारे लिए है भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। तो अभी जैसे हम आगे देखेंगे तो रूप गोस्वामी भी यही बात बोलते हैं, है ना। हम जब अभी ग्रंथ में जाएंगे तो हम देखेंगे। तो फिर मैं अपने सब मित्रों और प्रभुपाद यहाँ पे धन्यवाद दे रहे जो उन्होंने मदद किया, खास करके जो जयानंद प्रभु है ना। तो जयानंद प्रभु ने, वो क्या करते थे, टैक्सी चलाते थे, मंदिर में रहते थे, और वो टैक्सी चलाने से जो भी पैसा है ना, वो प्रभुपाद को ऐसे किताबें छापने में वो मदद करते थे जयानंद प्रभु। तो इसलिए उन्होंने जो लक्ष्मी दिया है उनको दान में, उसके लिए वो विशेष उनको धन्यवाद दे रहे हैं। वो मैकेनिकल इंजीनियर थे जयानंद प्रभु, है ना, उस समय अमेरिका में। लेकिन फिर भी वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो ऐसे कार्य करके वो प्रभुपाद को मदद करते थे, अनुदान देते थे प्रभुपाद को किताब छापने के लिए। और प्रभुपाद सबको धन्यवाद देते हैं। और कब लिखा है प्रभुपाद ने किताब? 13 अप्रैल 1970 को, नहीं पूरा किया है, मतलब लिखना पहले ही चालू किया हुआ है। रूप गोस्वामी को कल मैंने बताया था किताब लिखने के लिए कितना समय लगा है, तो 17 साल लगे हैं, है ना। तो बहुत उन्होंने सतर्कता से, है ना, बहुत ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करके, है ना, ये किताब लिखी है। तो इस प्रकार जो प्रभुपाद को कहना था भूमिका में, है ना, इस किताब के बारे में क्या क्या विषय है ना, वो पूरा होता है हमारा यहाँ पे। यहाँ से अभी ये प्रस्तावना से क्या हो रहा है, प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु चालू कर देते हैं प्रस्तावना से ही, इंट्रोडक्शन से ही, है ना, यहाँ से चालू कर देते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये भक्ति रसामृत सिंधु है ना, थोड़ा ये बताते हैं कि ये भक्ति रसामृत सिंधु ये जो ग्रंथ है ना, तो इसमें कैसे हैं कि ये आगे विषय आएगा, लेकिन अभी बता देता हूं, मतलब आपको आगे श्लोकों में आएगा, ये प्रभुपाद ने भी लिखा है, दूसरे पन्ने पे आएगा ये विषय कि कैसे भक्ति रसामृत सिंधु ये जो रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है, तो ये कैसे 4 भागों में है ना, इसके 4 भाग उन्होंने किए हैं। तो क्या 4 भाग किए हैं, कौन से 4 भाग किए हैं? तो एक ये क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु है ना, है ना, भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ का नाम। तो सिंधु मतलब क्या है, समुन्दर है ना। पहले नाम के बारे में हम समझ लेते हैं, है ना, तो ये बाद में देखेंगे, 4 विभाग है। पहले ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है ना, तो ये भक्ति रसामृत सिंधु, तो भक्ति हमको पता है, भक्ति रस है ना, तो भक्ति रस हमने देखा कि भक्ति रस क्या होता है, वो कैसे शाश्वत होता है ये हमने देखा इसमें। फिर
ये जो बताया है भक्ति रस के बारे में, तो हमने देखा कि ये भक्ति रस कैसे अमृत है। क्यों अमृत है? क्योंकि प्रभुपाद ने यहाँ पे कारण क्या दिया है, कारण क्या दिया कि वह अगले जन्म में आता है, इसीलिए प्रभुपाद ने, जैसे अमृत मतलब क्या है, जो कभी मृत नहीं होता, तो उसी प्रकार ये भक्ति रस जो है कभी खत्म नहीं होता, वो अगले जन्म में क्या होता है, कंटिन्यू होता है, इसीलिए प्रभुपाद ने उसको अमृत बोला है। ये भक्ति रस का जो अमृत है और उसका सिंधु है ना, सागर है ना, इस प्रकार से प्रभुपाद ने उसको बताया। ये हमने देखा भूमिका में है ना। तो ये भक्ति रस ही क्या है, अमृत है ना, और उसका सागर है ना। भक्ति रस अमृत सिंधु में क्या है कि भक्ति रस जो अमृत है उसका सागर है यहाँ है ना। तो जैसे अभी हम यहाँ पे जैसे जाते हैं, मुंबई में जाते हैं या जगन्नाथपुरी में जाते हैं या अन्य इधर कन्याकुमारी जाते हैं, तो ये जो सागर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, खारे पानी के सागर रहते हैं, खारे पानी के सागर। लेकिन ये कैसे है, ये सिंधु कैसा है ना, ये भक्ति रस का सागर है। तो इस प्रकार से इसका नाम दिया है ना। और ये नाम किसने दिया है, हमने देखा, मैंने आज बताया, ये नाम पहले किसने दिया है? रूप को चैतन्य महाप्रभु हरे हाँ, कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु है ना। तो उन्होंने बताया कि ये सिंधु का मैं एक आपको बिंदु देता हूँ, रूप गोस्वामी को बोला हूँ, एक सागर की एक बूंद देता हूँ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये रूप गोस्वामी को क्या दिया, ये उपदेश दिया है ना। और रूप गोस्वामी ने ये बिंदु को है ना, तो ये बिंदु इतना विशाल है ना, कि क्या कर सकता है, पूरे जगत में एक बाढ़ लेके आ सकता है भक्ति की है ना। तो ये बिंदु में इतनी शक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दी है। तो ये बिंदु का ही रूप गोस्वामी ने इतना विस्तार से वर्णन किया है ना। तो फिर अभी उसके बाद है, तो ये समझ गया भक्ति रसामृत सिंधु क्या है ना, ये शब्द हमको समझ गया। तो ये क्या है, भक्ति रस रूपी अमृत का सागर है ना। तो सागर में क्या रहता है ना, तो सागर में जाओगे आप है ना, सागर के अंदर जाओगे तो क्या दिखेगा आपको, तो वो तो भक्ति रस तो दिखेगा है ना, और क्या दिखेंगी, दिशाएं दिखेंगी है ना, अलग अलग दिशाएं वो सागर में दिखेंगी। तो ये किताब को भी वो दिशा के अनुसार इसको, इसका विभाजन करते हैं रूप गोस्वामी है। तो क्या बोलते हैं वो, जैसे आप सागर के अंदर जाओगे तो जो जहाज वगैरह रहते हैं उनको क्या है रहता है, उनके पास रडार रहता है, रडार है ना, डायरेक्शन देने वाला है ना। तो उससे क्या होता है, उनको डायरेक्शन पता चल जाता है ना, तो उसी ये डायरेक्शन से इसका विभाग करते हैं। तो डायरेक्शन क्या रहती है, मुख्य पूर्व विभाग है ना, फिर वो क्लॉकवाइज में चले जाते हैं। पूर्व क्या बात क्या आता है, दक्षिण है ना, पूर्व विभाग, ऐसे विभाग लिखिए उसके आगे है ना, फिर दक्षिण विभाग है ना, फिर क्या आएगा क्लॉकवाइज में, दक्षिण के बाद क्या आएगा, पूर्व से आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो पश्चिम पश्चिम है ना। पश्चिम विभाग हाँ, पश्चिम विभाग है। और फिर चौथा जो विभाग उन्होंने लिखा है, उत्तर विभाग हाँ बचा हुआ उत्तर विभाग उत्तर है। हाँ, तो ऐसे ये चार विभागों में ये ग्रंथ बटा हुआ है। तो ये तो हो गए कि ऐसे ऊपर ऊपर के नाम, तो इनको अन्य नाम क्या है ना, जिसमें भक्ति का विषय। तो पहला जो ये विभाग है ना, कौन सा विभाग है, पूर्व विभाग है ना। तो उसको भक्ति में की तरफ से हम क्या बोल सकते हैं, उसमें जो चर्चा किया है वो क्या किया है, भगवत भक्ति के भेद है मतलब टाइप है ना, भेद मतलब क्या टाइप, भगवत भक्ति के भेद बताए गए हैं पहले विभाग, उसका दूसरा नाम भी आप बोल सकते हैं।
वहां पे आप पब्लिक में लिख सकते हैं पहले विभाग को इस तरह से, है ना, भगवत भक्ति के भेद बताए गए। फिर दूसरे विभाग में क्या बताया गया है, ये सामान्य भक्ति रस बताया गया है ना, सामान्य भक्ति का जो रस है। तो हम इसमें जाएंगे भगवत भक्ति भेद में, तो उसमें हमको भक्ति का एक सामान्य भक्ति पता चलेगी, है ना, तो उसमें क्या रस रहता है वो यहाँ पे बताया गया है, सामान्य भक्ति का रस। ये किस में बताया गया है सामान्य भक्ति का रस, से विभाग में है, दक्षिण हाँ दक्षिण में दक्षिण बराबर है ना, दक्षिण विभाग में है ना, दक्षिण विभाग में है। फिर तीसरा जो विभाग है ना, तो उसमें क्या है हमारा मुख्य भक्ति के रस, मुख्य भक्ति भेद हमको पता चलेगा कि उसमें भेद है, उसके रस क्या होता है, जैसे मुख्य रस जो यहाँ पे बताया गया, और ये गौण रस भक्ति के गौण रस, तो ये चौथा जो है ना, चौथा क्या है उत्तर, है ना, ये मुख्य रस भक्ति के। तो इस प्रकार से ये इसको पर्यायी नाम भी है ना। और यहाँ पे आप ये भानु महाराज की किताब देखोगे तो इसमें कोई और भी पर्यायी नाम उन्होंने दिए हैं, उनको जो लगता है जो विषय उसमें है वर्णन किया वाला है ना, तो जो भाषांतर किया है उन्होंने, तो ये भानु महाराज ने क्या नाम दिए हैं कि इसको जो अपने आचार्यों ने नाम दिए हैं, यहाँ पे लगभग सेम ही है, जो उन्होंने पहला जो अपना ये है पूर्व विभाग है उन्होंने क्या दिया है कि जो भक्ति के विविध प्रकार है उनकी व्याख्याएं, ना ऐसे नाम दिए, तो मतलब वही आता है कि भगवत भक्ति भेद 3। तो इतने भी आपने नाम याद रख लिए तो ठीक है ना, तो इतना पर्याप्त। तो ये क्या है कि 4 प्रमुख विभाग है ना, फिर अभी ये अलग अलग दिशाएं दिखती है ना, हम सागर में जाएंगे तो, और ये अलग अलग दिशाओं में और हमको क्या दिखता है अगर हम सागर में रहेंगे तो, सागर में और अब एक लहरें आती हैं, लहरें सागर लहरें में। आती है, हाँ सागर में लहरें आती है ना, सब दिशाओं से लहरें आती है, चारों दिशाओं से है ना। तो अभी तो इन्होंने मोटा मोटी सागर में ये दिशाओं में पहले कहे, लहरों से बड़ी क्या रहती है दिशाएं रहती है, वहां पे बहुत सारी लहरें रहती है एक दिशा में, है ना, तो उसीलिए उन्होंने क्या किया है फिर बाद में ये जो उसका सब टाइप है ना, जैसे हमारा पहला क्या है पूर्व, या क्या है उसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया कि भगवत भक्ति के भेद है ना, भगवत भक्ति के भेद है ना, ये उसका मैंने पर्यायी नाम आपको बताया। तो फिर उसके अंदर उन्होंने क्या बताई है, लहरें बताई है ना, तो पहली लहर, तो इसमें 4 लहरें हैं, तो पहली लहर उन्होंने क्या बताई है ये अपने भगवत भक्ति भेद है ना, इस दिशा में, सामान्य हाँ भक्ति हाँ बराबर, कैसे आपने पढ़ा क्या आगे, हाँ ओके पढ़ा हाँ है कल से। ठीक, हाँ ठीक, सामान्य भक्ति है, ये पहली लहर है इसमें। फिर दूसरी लहर क्या है इसमें, साधन भक्ति है, ये प्रकार की भक्तियां हमको वहां पे पता चली। तो तीसरी लहर क्या है कि भाव भक्ति है, चौथी लहर क्या है प्रेम भक्ति है ना। तो ऐसे रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो ये अभी सामान्य भक्ति में वो कितने श्लोक लिखते हैं, 46, 46 श्लोकों में ये विभाग लिखा है ना। फिर ये साधन भक्ति जो है ना, ये 309 श्लोकों में लिखा है ना संस्कृत में। फिर भाव भक्ति जो है
ये 60 श्लोक उसके ऊपर लिखे, और प्रेम भक्ति जो है वो 21 श्लोक इसने लिखे हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ है। ये हो गया महत्वपूर्ण पर, हाँ, तो दूसरे प्रभु जी जी ने कल पूछा था प्रश्न ये है ना, इस प्रकार से ये साधन पूर्व विभाग है। और हमारा जो ये भक्ति शास्त्री का सिलेबस भक्ति सिंह है जी ना, ऊपर से तो ये जो ये है क्या बोलेंगे इसको, हमारा जो ये भक्ति शास्त्री का सिलेबस है, तो इसमें हमको बस ये 4 विभागों में से पूर्व विभाग की ही चर्चा करनी है। पूरी किताब हमको ये नहीं है हमारे सिलेबस में, बस ये पूर्व विभाग ही है ना। और ये पूर्व विभाग की जो 4 लहरियां हैं है ना, तो इनको प्रभुपाद ने कितना लिखा है उनकी किताब में, तो अभी प्रभुपाद की किताब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद की किताब की अनुक्रमणिका में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद ने पूरा लिखा है ना, इसमें सारांश रूप में। लेकिन ये जो पूर्व विभाग है ना, मैंने बताया आपको अभी पूर्व विभाग बताया है ना, ये पूर्व विभाग यहाँ पे देखिए है ना। तो ये जो पूर्व विभाग है ना, तो लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी ने क्या बताया, मैंने कि 4 लहरें बताई है ना। 4 लहरें मतलब उसमें जो भेद, वो 4 लहरें प्रभुपाद ने नहीं यहाँ पे उसका उल्लेख नहीं किया है ना, क्योंकि प्रभुपाद तो सारांश रूप में। तो पूर्व विभाग को ये 4 लहरों को प्रभुपाद ने क्या किया है, ये 19 अध्यायों में लिख दिया है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है 16, 17, 18, 19 है ना, थोड़ा अलग पद्धति से लिखा है 18 और 19 को, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। 16, 17 तो समझ में आ जाएगा, 18, 19 ये ऐसे है ना। तो ये पूर्व विभाग बस हमारे सिलेबस में है। और ये दक्षिण विभाग, तो मतलब क्या है कि ये प्रभुपाद की जो किताब है उसमें क्या है, ये 19 चैप्टर है ना, कहाँ से पूरा, या भूमिका से, भूमिका प्रस्तावना, और ये 19 मतलब 21 चैप्टर है हमारे सिलेबस में है, भूमिका और प्रस्तावना को ये आप एक एक पकड़ लेंगे तो है ना। उसमें भी प्रश्न दिए हैं, उसमें से भी क्लोज बुक में प्रश्न है, तो इसीलिए मैंने पूरा भूमिका का चर्चा किया, हमने पूरा शब्द सभी भूमिका भी चर्चा की। और प्रस्तावना से क्या हो रहा है, आपकी भक्ति रसामृत सिंधु किताब चालू हो रही है, भक्ति रसामृत सिंधु है ना, जो रूप गोस्वामी ने लिखी है यहाँ से चालू होती है ना, प्रस्तावना से लेके है ना अंत तक चलती है इस, ठीक है। तो ये हो गया किताब के बारे में। अभी तक किसी ने, किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ समझा नहीं, ऐसी कोई है? हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ आपने अभी पहले जो 4 विभाग बताए, पूर्व विभाग, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, उसमें पहले बताया था कि भगवत भक्ति के बेस सामान्य भक्ति रस, और भक्ति के गौण रस और भक्ति के मुख्य रस, इस प्रकार 4 बताए थे। लेकिन आपने जो थोड़ा लिखा उल्टा है, हो गया। हाँ, उसमें 3 नंबर मुख्य रस रखा है, तो वो करेक्ट करना चाहिए क्या? 3 नंबर पे मुख्य रस है कि पहले बताया वैसा 4 नंबर पे मुख्य रस है? पहले कहाँ 4 नंबर पे दिखा दो, मैं पहले से ही मैंने 3 नंबर पे ही बताया। 3 नंबर में आपने पहले गौण रस बताया था, इसलिए मैंने वही लिखा, लेकिन बाद में देखा तो स्क्रिप्ट में आपने 4 नंबर में गौण रस लिखा है। ऐसे क्या बोलने में मैंने बताया था क्या वैसे? हाँ, नहीं, यहाँ पे जो लिखा है मैंने वही सही है ना। ओके, 3 नंबर मतलब क्या है कि ये मुख्य जो भक्ति, पश्चिम पश्चिम विभाग में है हाँ मुख्य उसको, भक्ति, हाँ, ये यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है ना, ओके, हाँ क्योंकि ये 3 नंबर वाला जो है क्या है, पश्चिम है ना। बताने समय मेरा गलती हो गया होगा जल्दी जल्दी में, ओके ओके ओके। लेकिन यहाँ पे लिखा है वो ठीक है। और एक पूछना था, कल जो हमने चर्चा की भौतिक रस और आध्यात्मिक रस का, तो भौतिक रस में आपने 3 या 4 पॉइंट बताए हैं,
लेकिन आध्यात्मिक में सिर्फ एक ही बताया, उसका कुछ डिफरेंस आने वाला है क्या ऐसा एग्जाम में पूछेंगे तो, या कंपैरेटिव नहीं, वो स्टेटमेंट? तो एग्जाम में तो आपको जो यहाँ पे प्रश्न है उसमें है क्या, हैंडबुक में वो प्रश्न? नहीं वो नहीं देखा मैंने, प्रश्न नहीं देखे अभी, सिर्फ अपना नहीं, वो अच्छा उसमें रहेगा तो आएगा, मैंने भी नहीं देखे हैंडबुक में प्रश्न। अच्छा नहीं तो नहीं, क्योंकि कंपैरेटिव या डिफरेंस में है तो यहाँ चार मैंने जो ऐसे ही जो आपको समझाने के लिए वो बताया था, ये इधर ओके ही है अभी ओके वो, है ना? ओके ओके तो ओके मतलब हाँ क्या है कि अभी वो तो हमको समझ में आता है ना कि इसको अमृत बताया, अगले जन्म में आता है, तो आप उल्टा कीजिए, ये भोग और त्याग में की जगह पे यहाँ पे क्या रहता है, सेवा का भाव रहता है ना, भक्ति रस अच्छा में, है ना? अच्छा से आप हाँ लिख सकते हैं, वहां पे बताया भी नहीं गया है ना, हाँ तो ये सेवा का भाव है, क्या हो रहा है लिखा मैंने? एक हाँ बोलिए। क्वेश्चन है मेरा, हाँ ये प्रश्न के लिए जो पहला क्वेश्चन है, किसके लिए भक्ति रसा सिंधु का प्रस्तुत किया गया है, इसका उत्तर कौन सा लास्ट पेरा का लिखने का है? किसके लिए, मतलब किस व्यक्ति के लिए पूछे क्या? ठीक नहीं से नहीं पढ़ी प्रश्न को, ठीक से पढ़ी। हाँ किसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु को प्रस्तुत किया गया है, किसके हाँ तो वो अंतिम लिए? हाँ पैराग्राफ में यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखिए है ना, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लास्ट पैराग्राफ, तो लास्ट हाँ पैराग्राफ में आंसर है क्या ऐसा? हाँ लास्ट पैराग्राफ में पहला लाइन वहां पे आप देखिए वही कि वही वही ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन के है, ऐसे लिखा था शेर, बराबर हाँ हाँ कृष्ण है ना? भावनामृत करेक्ट करेक्ट सदस्यों के लिए प्रस्तुत किया है, बराबर है। वही करेक्ट उत्तर है ना? ओके वही करेक्ट। धन्यवाद, हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु विशेष रूप से उनके लिए है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न है, विशेष रूप से उनके लिए, और फिर भी ठीक है। तो प्रश्न में विशेष आया है क्या? एक मिनट मैं इधर हैंडबुक खोल लेता हूँ। हाँ है ना, पहला ये शब्द है, विशेषता किसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु प्रस्तुत किया गया है, बराबर, विशेषता इनके लिए किया गया है, ये उत्तर है, देखिए यही उत्तर ओके हरे कर हरे कृष्णा। है। और जो आपने 12 रस का चर्चा किया वो बताया था, उसमें से आप बोले 5 प्रमुख रस है, उनका हाँ नाम वो, नहीं आपने बताया, वो 5 प्रमुख रस हाँ कौन बता से है? बताता हूँ, बताता हूँ यहाँ पे अभी वो बताता हूँ विस्तार से। तो ये तो हो गया आध्यात्मिक के अंतर, तो यहाँ पे अभी आइए, तो यहाँ पे मैंने बस आपको ये बताया कि ये जो है कि पूर्व विभाग के बारे में बताया है ना, और हाँ भगवत भक्ति भेद है ना जिसका उसका नाम है, उसके ये चार लहरियां बताई मैंने, इसको ऐसे लिखिए आप ठीक से, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, सामान्य भक्ति लिखा है, लेकिन आप कैसे लिखिए, सामान्य भक्ति लहरी है ना, ऐसे लिखिए यहाँ पे अच्छा आगे लहरी लगा दीजिए, क्योंकि ये लहरें हैं ना, हाँ लहरी है ना, ऐसे लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, करेक्ट प्रेम भक्ति लहरी ऐसे लिखिए। तो अभी जो हाँ दूसरा विभाग है ना, कौन सा है? साधन भक्ति, दक्षिण, साधन दक्षिण भक्ति या सामान्य भक्ति के क्या है, सामान्य भक्ति का यहाँ पर बताए सामान्य रस, भक्ति रस। हाँ सामान्य भक्ति रस है, तो ये सामान्य भक्ति रस ये उसका दूसरा नाम है दक्षिण विभाग का। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है कि पांच विभाग है ना, पांच लहरियां हैं है ना इसमें, तो कौन सी लहरियां हैं इसमें,
ये विभाव है ना, फिर विभाव और फिर अनुभाव है ना, विभाव अनुभाव और सात्विकी भाव, इसके सामने लहरी लगा दीजिए, अनुभाव लहरी है ना, सात्विकी भाव, मेरा हस्ताक्षर उतना अच्छा नहीं है समझ लीजिए, सात्विकी भाव लहरी। व्यभिचारी, व्यभिचारी भाव लहरी, और उसके बाद है जो महत्वपूर्ण रहता है वो क्या रहता है, स्थायी भाव, ये सब में स्थायी भाव लहरी। इनमें कितने कितने श्लोक आते हैं वो आप ढूंढ लीजिए, मैंने आपको पीडीएफ भेजा है ना ग्रुप में, उसमें है, आप उसमें से गिन लीजिए कितने श्लोक आते हैं, मैंने इसकी गिने नहीं है ना, ये इसका अभ्यास ही हम नहीं करने वाले, तो मैंने इसलिए गिने नहीं इसकी, तो आप वो पीडीएफ में देख लीजिए, उसमें सब श्लोक मैंने आपको भेजे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दूसरे, वो हाँ सेकंड वाला, बताइए। वो हाँ, सेकंड वाला क्या, थोड़ा नीचे करिए स्क्रॉल डाउन। अनुभव, अनुभव लहरी लिख लिया सबने, विभाव अनुभव सात्विकी भाव लहरी है ना, व्यभिचारी भाव लहरी, स्थायी भाव लहरी, ये किसके विभाग है? ये सामान्य भक्ति में है ना, सामान्य भक्ति के लहरी में ये पांच विभाग दिए है ना, हाँ, दक्षिण तो अभी विभाग बता के, रहा हूं मैं, दक्षिण हाँ एक एक दक्षिण आगे विभाग के के, बता हाँ रहा सामान्य भक्ति रस में, तो उसके पहले ने लिया, पूर्व विभाग का नहीं दिया अभी तक। हूं। वो 3 नंबर का है ना, पूर्व, पूर्व विभाग का दिया ना आपको, ये क्या उसमें है, सिर्फ चार दिए सामान्य, ना, नहीं चारों नहीं दिए ना, चार, देखिए सामान्य भक्ति लहरी, साधन भक्ति लहरी, ये 2 नंबर है ना, दिख रहा है आपको यहाँ हाँ पे, भाव भक्ति लहरी 3 नंबर है ना, 4 नंबर प्रेम भक्ति, इसके तो श्लोक भी बताए ना मैंने कितने कितने श्लोक है चारों हाँ में। इसमें से 4 श्लोक है वो, अच्छा वो फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला, हाँ, ओके फर्स्ट ओके। के 4 आते हैं है ना, हाँ एक हाँ पूर्व डायरेक्शन में कितनी लहरी आती हैं, उधर से 4 लहरें आती हैं है ना, ओके ओके। है ना, वो पहले ही बताए, तो दक्षिण विभाग का भी बताया, पूर्व का भी बताया है ना, फिर अभी अभी क्या आता है, पश्चिम, पश्चिम, पश्चिम हाँ विभाग, पश्चिम विभाग, और दूसरा क्या है कि मुख्य भक्ति रस है ना उसका नाम, तो ये मुख्य भक्ति रस है ना, तो इसमें क्या आता है, तो इसमें भी 5 आते हैं है ना, तो मुख्य भक्ति के जो रस, आपको मुख्य 5 रस कौन से रहते हैं बताइए, आपने बहुत बार सुने हैं भक्ति के 5 रस, माधुर्य, साखिया रस, दास्य वात्सल्य, रस, सौख्य, दास्य, लेकिन वात्सल्य रस। अभी सीक्वेंस से बताइए कि सबसे बेसिक क्या रहता है इसमें, उसमें बराबर शांत, बता रहे आप लोग, हाँ दास्य, शांत बेसिक वात्सल्य, रहता है, शांत बेसिक रहता है, फिर 2 नंबर में क्या बताया आपने, दास्य दास्य, है, फिर क्या रहता है उसके सौख्य ऊपर रस, भी, सौख्य, हाँ हाँ वात्सल्य। सौ सौख्य नहीं, और कोई यही यहाँ पे थोड़े से भक्त लोग इसमें बारे में, कभी इसको सौख्य बोलते हैं, कभी साख्य बोलते हैं है ना, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में इसको क्या बोला है, सख्य बोला है ना, सख्य रस है ना, चौथा बताइए, हाँ वात्सल्य, वात्सल्य है ना, और ये वात्सल्य, और जो पांचवा है माधुर्य, माधुर्य, तो ये मुख्य भक्ति के रस है ना, तो ये किसके विषय है, ये पूर्व विभाग है ना, सॉरी पश्चिम विभाग है ना, पश्चिमी बाल। पश्चिम, हाँ हाँ पश्चिम विभाग है ना, तो और फिर अभी क्या है, उत्तर विभाग, तो इसमें क्या है, जो गौण रस है ना, तो उसमें ये गौण रस वाला है, तो इसमें क्या आते हैं, 9 आते हैं एक्चुअली, यहाँ पे भक्ति रसाम सिंधु से हिसाब से है ना, कौन से 9 है, तो 1 मिनट,
भयानक वीर रौद्रहस हाँ अद्भुत। तो उसमें सीक्वेंस ऐसे है कि हास्य है ना, हास्य हास्य रस लहरी ऐसे लिखिए आपने, हास्य रस लहरी है ना, पूरा लिखिए हास्य रस लहरी, फिर अद्भुत है ना, अद्भुत रस लहरी, फिर तीसरा क्या है, करुणा वीर, हाँ सीक्वेंस है वो भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो सीक्वेंस में किताब में दिया है वो मैं बता, वीर रस अच्छा लहरी है ना, करुणा फिर रौद्र, फिर क्या है भयानक, फिर उसके बाद क्या है विभत्स, विभत्स सरोस लवरी, आठवा क्या है मैत्री वैरी, त्री और ये वैरी है ना, और नौवा क्या है रसाभास, ऐसे नौ लहरी है उत्तर विभाग में, ठीक है। इसमें कितने कितने श्लोक है वो आपको पीडीएफ में भेजा है, उससे गिन लीजिए है ना, जैसे ये हमारे चर्चा का विषय नहीं है, हमारा भक्ति शास्त्री का विषय नहीं है आगे का, तो पूर्व विभाग ही हमारा भक्ति शास्त्री का विषय है, यहाँ पे आपको बताया गया है। तो अभी जैसे आप प्रस्तावना में देखेंगे यहाँ पे अभी लिखा, तो प्रस्तावना में देखेंगे तो प्रभुपाद ने कैसे लिखा है, कहीं पे भी आपको श्लोक का नंबर नहीं दिखेगा है ना, उसके बाद आप पहले अध्याय में जाएंगे है ना, तो विभाग है ना, यहाँ पे भी आपको कहीं श्लोक का नंबर नहीं आया है, इन जैसे हम एक एक परिच्छेद हम पढ़ते जाते हैं है ना और समझते जाते हैं, तो मैं बताऊंगा कि श्लोक संख्या कहाँ तक, ये कौन सा श्लोक नंबर आ रहा है ना, एक्स्ट्रा आपको जानकारी चाहिए, तो आज हम प्रस्तावना को शुरू करते हैं। समय हो गया है ठीक है, रुक जाते हैं यहाँ पे, तो किसी को कुछ पूछ